जोगी भोगी करके किया। यहाँ की सरकार विकास के मामले में सोचना नहीं चाहती। पहले यूपी को संभाले, यूपी बाबत क्षेत्र में संभालना है। स्वाइन फ्लू नहीं है पर्यंत मीटिंग को ले गए, तारपर बोलते करते जाए नहीं, ये बार की कथा है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ और ममता के बीच जंग छिड़ चुकी है। चुनावी जंग, ममता बनर्जी और बीजेपी की सेना में भयंकर भिड़ंत चल रही है। बीजेपी के सिपहसालार बंगाल में पहुंच चुके हैं। बीजेपी की पूरी पलटन बंगाल का रुख करना चाहती है और बंगाल से ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि वो उनकी बंगाल में एंट्री रोक रही है। बीजेपी भी जिद पर अड़ी है। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बंगाल की धरती पर नहीं उतरने दिया गया तो सड़क के रास्ते ही योगी आदित्यनाथ ममता के गढ़ में घुसे और ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। योगी ने बंगाल जाने के लिए झारखंड तक का रास्ता नाप दिया। हेलीकॉप्टर से पहले वो झारखंड के बोकारो पहुंचे, फिर सड़क के रास्ते पुरुलिया, जहां योगी का आक्रामक रुख देखने को मिला। चार वर्षों के अंदर जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा बंगाल ने ईमानदारी के साथ लागू करने का प्रयास किया होता तो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते, जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, जिनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, लेकिन अमित शाह ने होटल में हेलीकॉप्टर उतार कर बंगाल में रैली की और इस तरह दीदी को एक बार फिर से हार मिली। वैसे ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को बंगाल में रैली करने से नहीं रोका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में आक्रामक रुख अख्तियार किया है उससे अब ममता को भी डर लगने लगा होगा, क्योंकि बीजेपी अब बंगाल के रास्ते लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता बनाने की तैयारी में है। 2014 में बीजेपी ने भले ही बंगाल से 42 में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी बंगाल में करिश्मा कर सकती है। जोगी भोगी करके किया। यहाँ की सरकार विकास के मामले में सोचना नहीं चाहती। पहले यूपी को संभाले, यूपी बाबत क्षेत्र में संभालना है। स्वाइन फ्लू नहीं है पर्यंत मीटिंग को ले गए, तारपर बोलते हैं करते जाए नहीं, ये बार की कथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।